का धरना प्रदर्शन जारी है। बकाया वेतन की मांग को लेकर महिलाओं ने धरना प्रदर्शन दिया। 181 महिला हेल्पलाइन की महिला कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। मंत्री स्वाति सिंह से मिलने की महिलाएं मांग कर रही हैं। महिला कर्मचारी रात को भी धरना देने के लिए मजबूर थी। वेतन कटौती से नाराज महिलाएं दे रही हैं इको गार्डन में धरना। जीवीके कंपनी ने बिना नोटिस दिए कंपनी से निकाला, जिसके बाद महिला कर्मचारी धरने पर बैठ गए। जीवीके पे तमाम आरोप लग चुके हैं। इससे पहले भी कई कर्मचारियों ने 108 एम्बुलेंस के जो कर्मचारी थे उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया था और अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे थे। और अब महिला कर्मचारी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 181 महिला हेल्पलाइन की ये कर्मचारी हैं और मंत्री स्वाति सिंह से मिलने की मांग कर रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जीवीके कंपनी ने बिना नोटिस के इन कर्मचारियों को निकाल दिया था, इसको लेकर भी आक्रोश है महिलाओं में। रात में भी धरना देने को मजबूर थी महिलाएं और उनकी मांग है कि वो मंत्री स्वाति सिंह से मिलना चाहती हैं। महिला कर्मचारी रात को भी धरना देने के लिए मजबूर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भरत शेट्टी जुड़ चुके हैं। भरत, जीवीके कंपनी पर लगातार आरोप लग रहे हैं कर्मचारियों द्वारा, और एक बार फिर जो महिला कर्मचारी हैं वो धरने पर बैठ गई हैं। इससे पहले जो पुरुष कर्मचारी थे वो धरने पर थे। लगातार आरोप लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये महिला कर्मचारी है 181 हेल्पलाइन की। इनकी पहले मांगे थी कि इनको वेतन नहीं मिल रहा है। के न्यूज ने लगातार इनकी खबरों को दिखाया, सरकार तक संज्ञान दिलवाया, सरकार तक पहुंचाया। 10 दिन तक लगातार ये धरने में बैठी रही थी। इनको के न्यूज की खबर के चलने का असर भी हुआ, इनको वेतन भी दिया गया। लेकिन इनका अब आरोप है कि जो इनको तनख्वाह वेतन दिया गया है उसमें भी कटौती की गई है। 2 से 3 महीने की हर वेतन में कटौती की गई है। कोरोना काल में इनका पैसा नहीं दिया गया है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं जीवीके के ऊपर। जिस तरीके से सरकार कह, इनका कहना है कि सरकार के द्वारा पूरा पैसा जीवीके कंपनी को दिया गया है, लेकिन जीवीके कंपनी ने इनको पूरा पैसा नहीं दिया है। इस विषय को लेकर ये स्वाति सिंह मंत्री के पास भी पहुंची थी, लेकिन वहां से भी इनको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके कारण ये नाराज होकर ये रात भर धरने में बैठी रही। भारत, इससे पहले जब कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया था, के न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और अब महिला कर्मचारी जो धरना प्रदर्शन पे हैं, एक बात जो सामने आई, बिना नोटिस के जीवीके कंपनी कर्मचारियों को निकाल रही है, तो क्या जीवीके की तरफ से कोई बयान दिया गया है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, जीवीके की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। जीवीके की अधिकारी तक हम लोग कार्यालय गए, हम लोगों ने बात करने की कोशिश करी, लेकिन जीवीके के अधिकारी कोई भी इस विषय पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। जो महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर आरोप है कि बिना नोटिस दिए हमको कंपनी से निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि एक जो आयुषी थी, जो 181 हेल्पलाइन में कार्यरत महिला थी, उसने सुसाइड भी किया था। उसको वेतन नहीं मिल रहा था, उन 5 साल की बच्ची को छोड़कर और अपने विकलांग पति को छोड़कर वो चली गई। इन लोगों को रोष है कि बच्ची का भी संज्ञान लीजिए, सरकार संज्ञान ले, जो 5 साल की बच्ची है उसके पिता विकलांग है। जिस तरीके से लगातार जीवीके पर आरोप लगते आए हैं, लेकिन जीवीके इस तरीके की कोई भी बात से इंकार करके मीडिया के सामने आने से बचती है। और सरकार ने इन तक पैसा पहुंचाया है जीवी तक, लेकिन जीवीके इनको पूरा पैसा नहीं दे रही है। इन महिलाओं का आरोप है, जिसको लेकर ये महिलाएं रात भर धरने में बैठी रही। जी भरत, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवीके कंपनी पर लगातार आरोप लग रहे हैं और महिला कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार की तरफ से उन्हें पैसा दिया गया है, लेकिन कोई भी सुध नहीं ली जा रही है।